अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत मुबारक हो। आज मैं अपने भट्टी हाउस के किचन से आपके लिए इफ्तारी के लिए बहुत ही स्पेशल डिश लाई हूँ, जो है लोबिया चाट। आप लोग इफ्तारी में बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे लाल लोबिया उबला हुआ, एक प्याज, आलू बॉईल किए हुए, टमाटर, हरी मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर, नमक, इमली का पल्प, पुदीना कटा हुआ, जाट मसाला। पैन में हम लोग थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसमें हम लोग प्याज डाल देंगे और इसको लाइट से हम लोग सौते करेंगे और इसमें हम लोग बॉइल्ड लोबिया डालेंगे। और इसको भी थोड़ी देर हम लोग सौते करेंगे। देखिए हमारा लोबिया लाइट सा फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें ने चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे और आलू जो हमने बॉईल किए हुए थे वो डाल देंगे। उनको मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे हम लोग, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। स्पाइसेस आप लोग अपनी टेस्ट के मुताबिक ही लेंगे। हरी मिर्चें डाल देंगे, इमली का पल्प डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को 2 मिनट तक सौते करेंगे ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। तो हम थोड़ी देर तक पकाएंगे। अच्छा, जब हम रोज़ा खोलते हैं तो हमारा कुछ स्पाइसी खाने को दिल करता है, तो उसके लिए ये रेसिपी बेस्ट है और बहुत ही झटपट जल्दी से तैयार हो जाती है। अब हम इसमें ना चॉप किया हुआ पुदीना डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी लाइट सी रेसिपी है। ये देखिए हमारी लोबिया चाट तैयार है। आखिर में हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे और ये देखें हमारी लोबिया चाट तैयार है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फी अमान अल्लाह।